हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आरजे। आज के व्लॉग का टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, टाइटल देखा ही रहेगा। पीसी बिल्डअप कर रहा हूं मैं मेरे खुद के लिए, यानी मेरे एडिटिंग वर्क के लिए भी, क्योंकि लैपटॉप पे बहुत स्लो हो रहा था और मुझे यूट्यूब के लिए भी चाहिए था और मेरे पर्सनल व्यूज वेडिंग के और जो सिनेमेटिक शॉट्स है वो एडिट करना है मुझे। वो अभी मैं बाहर नहीं दूंगा, मैं घर पे ही सेटअप कर रहा हूँ एडिटिंग का, फोटो वीडियो दोनों का ही। अभी मैं जा रहा हूँ लैमिंटन रोड जा रहा हूँ, वहाँ से मैं अभी सब सामान लूँगा पीसी का, जो भी है। लिस्ट तो पहले ही दे दिया है वो शॉप पे, और मेरे दोस्त के साथ जा रहा हूँ जो इंजीनियर है कंप्यूटर का, वो मुझे असेंबल करके देगा। मैं अपने हिसाब से अपना पीसी बना रहा हूँ, मैंने बहुत रिसर्च किया यूट्यूब पे भी और दोस्तों से भी जानकारी ली जो एडिटिंग फील्ड से, उस हिसाब से मैंने पीसी अपना बजट के हिसाब से, इतना हाई बजट भी नहीं है जैसे आपने टाइटल देखा रहेगा या थंबनेल भी देखा रहेगा। तो अभी बजे है 1:30 दोपहर के और मुंबई में तो बारिश का तो नाम ही जाने का नहीं ले रहे। अभी मैं फटाफट निकलता हूँ, चलो सीधा लैमिंटन जाकर मिलता हूँ। अभी हम लोग पहुँच गए ग्रैंड रोड। अभी यहाँ से लैमिंटन कंप्यूटर लेन गली स्टार्ट हो रहा है। यह है पंडरी जो मेरा पीसी बिल्डअप करने वाला है। कुछ रहेगा पीसी का तो इसको कांटेक्ट करना। अभी बजे 3:30, शाम होएगा जाते जाते हम। ये यहाँ से हम लोग पीसी ले रहे हैं अभी लैमिंटन रोड में। लोग अभी है V3 सिस्टम एंड सॉल्यूशन लैमिंटन रोड, ट्रस्टेड शॉप। डोंट वरी अबाउट लैमिंटन रोड इफ यू हियरिंग अबाउट लैमिंटन रोड्स चीटिंग केस, बट V3 नेम इज अ ट्रस्टेड। वी आर 19 ईयर ओल्ड इन नंबर मार्केट एंड वी मोस्ट ऑफली वांट आवर कस्टमर फुल्ली सेटिस्फाइड विद आवर बेस्ट सर्विस एंड ओरिजिनल पार्ट्स। सो डोंट वरी अबाउट आवर नॉन ओनली नाउ हियर लैमिंटन रोड, because all are limited, not same, we are different. V3 is a trusted name for any type of IT person. अभी ये भाई से देखा रहेगा, इन्होंने जो बताया अगर आपको कोई पीसी का कुछ सामान लेना है आईटी का जो भी रहेगा तो आप V3 सॉल्यूशन में आना, सिस्टम एंड सॉल्यूशन में। और अगर पीसी भी बिल्ट अप करना है तो ये बंदे से कांटेक्ट कर लेना, इसका भी नंबर डालो। ये हाइपर एक्स रैम 16 GB है, SMPS 650, 2 TB हार्ड डिस्क, WD SSD, गीगाबाइट का बोर्ड है, B360M, i5 प्रोसेसर, 9th जनरेशन, कीबोर्ड माउस से आर्टिस्ट का लिया है मैंने, ब्लेज शेयर का कार्बाइड स्पेक डेल्टा RGB का मॉनिटर है 24 इंच। फाइनली मेरा अभी पीसी का सब सामान आ गया है, जैसे अभी देखा रहेगा आपने। इसको सब पैक करना है और फटाफट यहाँ से निकलना है। भाई का नाम भूल गया मैं, मेरा नाम कांतिलाल सुतार। बहुत हेल्प किया है, बहुत टेक्निकली भी बताया, नॉलेज दिया है मुझे। मैंने जो कॉन्फिगरेशन सोचा था उससे अच्छा ही मैंने लिया है और मेरे बजट में ही लिया है। वो बजट मैं आपको थंबनेल में दिखा रहेगा या फिर आपको लास्ट में पता चलेगा कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैं दे दूंगा। तो कभी भी आएंगे आप लैमिंटन रोड तो यहाँ से ही लेना, और डिस्काउंट बाय कर देंगे मेरे तरफ से या उनके तरफ से, जो भी रहेगा वो। थैंक्स बाय। चेक दे रहा हूँ दिवाली के लिए, जो अमाउंट डालना डाल देना, मतलब समझ लो कितने में पीसी बना रहेगा। ब्लैंक चेक आया अपने पास, सत्कार हो रहा है मेरा शायद। V3 सिस्टम एंड सॉल्यूशन, दिवाली के पर्व पे आपने हमारे से सिस्टम लिया और अच्छा कोऑपरेट किया, और आपका यूट्यूब वीडियो जो आप अपलोड करता हूँ उसको देख के आपको ये हमारी तरफ से एक सिल्वर कॉइन दे रहे हैं। हैप्पी दिवाली सबको। ये मिला है और उनका कार्ड, और थैंक यू सो मच ये देने के लिए, V3 सिस्टम एंड सॉल्यूशन। अभी हम लोग पहुँच रहे हैं, आज लेट हो जाएगा पीसी बिल्टअप करने के लिए। सोच रहा हूँ कि ये व्लॉग कल कंटिन्यू करें, चलो मिलते हैं कंटिन्यू। हे गाइस, दिस इज Day 2, पिछला व्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज है दिवाली, अभी मैं पीसी बिल्टअप स्टार्ट होने वाला है, पंडरी भी आ गया है, पीसी बिल्टअप करना चालू कर रहे हैं। अभी एक एक करके आपको दिखाता हूँ। कल क्योंकि बहुत लेट हो गया था घर पे आने के लिए, मुझे 9:30 बज गए। अभी कितना टाइम जाता है देखते हैं, और ये वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा मैं। अभी सिनेमैटिक क्रॉस स्पेक डेल्टा RGB, ब्लेज
BS 650 SMPS. कैबिनेट्स है या कोई भी कैबिनेट ले लो, अभी जो लेटेस्ट बन रहे हैं वो ऐसे ही बन रहे हैं कि आपके जो वायर्स का जो डिस्प्ले में दिख जाते हैं, क्योंकि अभी ये ग्लास वाले कैबिनेट आ रहे हैं तो उसको हाइड करने के लिए ये ऑप्शन कंपनी अभी देने लगे हैं। तो आपका केबल मैनेजमेंट भी बराबर हो सकता है। ये 2TB सिगेट हार्ड डिस्क 2TB का कैबिनेट, जो भी ग्लास पैनल वाला रहेगा वो आप केयरफुली हैंडल करना, उसको साइड में रख देना। मैंने तो सब साइड में रख दिया, इधर कुछ स्क्रैच वो सब आ सकता है। वो मेन हाई ड्राइव का और SSD के लिए भी दिया है, पर मैंने SSD आपको आगे बताता हूँ कौन सा लिया। B360M गेमिंग HD मदरबोर्ड, अल्ट्रा 12GB से है और ये मिड वर्जन वाला लिया मैंने। RAM के स्लॉट है, ये SSD के लिए स्लॉट दिया है, ये M2 के लिए, और यहाँ सब है PCI ग्राफिक कार्ड, हाँ ये फ्रंट पैनल के लगने वाले है। यहाँ पे दिया है USB 3 के चार ऑप्शन दिए है, और नॉर्मल 2.0 वाले, और ये ऑडियो इनपुट HDMI, VGA और नॉर्मल कीबोर्ड के लिए, कीबोर्ड माउस के लिए ये सब दिया है। ये i5 प्रोसेसर है 9th जनरेशन 9400F। ये चिपसेट है, इसको हैंडल अच्छी तरह से करना। 2.9GHz इंटेल कोर i5, सब डिटेल्स में पढ़ लेना। RAM DDR4 16GB, और ये SSD chipset वाला WD M2280 सॉलिड स्टेट ड्राइव, और यहाँ ये 240GB का लिया है मैंने। ये स्पेशली सी ड्राइव के लिए लिया है मैंने, ताकि सब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सब फास्ट रन हो, प्रोसेसिंग भी फास्ट हो सबका। क्योंकि मैंने मदरबोर्ड लिया था जो उसमें डेडिकेटेड स्लॉट आ रहा है, तो इसलिए मैंने ये SSD ऐसे के टाइप में लिया है। मदरबोर्ड में अगर स्लॉट नहीं हो तो आप नॉर्मल SSD ले सकते हो, अगर स्लॉट रहेगा तो आप ये SSD यूज कर इंस्टॉल हो रहा है। कार्ड इंस्टॉल हो रहा है, GeForce GTX 105 Ti OC जोटेक की तरफ से लिया है मैंने, और इसमें ड्यूअल फैन है, और इसके साथ कंपनी 3 ईयर्स वारंटी देता है, और कस्टमर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वारंटी अपग्रेड करके मिलेगा, 5 ईयर्स का वारंटी मिलेगा। और ड्राइवर सीरीज है, मैनुअल है, इसको बाद में पढ़ना पड़ेगा मुझे। और ये अपना ग्राफिक कार्ड ड्यूअल फैन के साथ, जो ग्राफिक पूरा फास्ट हो जाएगा। 1 HDMI पोर्ट है, DP है,
और CVI नो विजयपुर और ये अपने जो रेड स्लॉट है इधर उसमें अपने फिट करना है. ये तो अभी हो गया है, अभी मॉनिटर लग रहा है. G24MK600M ये मॉडल नंबर है इसका. तरफ से गेमिंग माउस RGB कीबोर्ड है आर्टिस्ट की तरफ से. विंडोज और वो सब सेटअप हो रहा है तो वो दिखा के कुछ मतलब नहीं है, वीडियो बड़ा होते जाएगा. तो पूरा PC एक बार सेटअप होने के बाद मैं आप लोग को मिलता हूँ. गाइस, सो ये था मेरा ओवरऑल PC सेटअप जो आपने देखा रहेगा. अभी जो सिनेमेटिक शॉट्स और ये अभी पूरा PC मेरा कंप्लीट हुआ है, दिन गया है पूरा. उसमें 70 या 65 के बजट में अगर आपको कोई PC बनाना है तो मैंने ये PC बिल्टअप किया है. तो आपको जो स्पेसिफिकेशन दिए है मैंने जो बताया उसके सबके लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में. ऑनलाइन परचेज करना रहेगा तो, या फिर मैं तो सजेस्ट करूँगा ऑफलाइन मार्केट. अगर आप मुंबई से हो, लैमिंगटन रोड से परचेस करोगे कांति भाई से V3 सिस्टम एंड सॉल्यूशन, तो अच्छा खासा आपको फ़र्क गिरेगा ऑनलाइन से. और मुझे ओवरऑल ये 65 तक लग गया है मेरा PC. होप सो आपको कम में भी मिलेगा. मैंने उधर जाके अपने स्पेसिफिकेशन बढ़ाए हैं. मैं जो सोच के गया था कि मैं ऑफलाइन मार्केट से ये खरीदूँगा, तो कॉन्फिगरेशन बढ़ाया मैंने और मेरे बजट में भी हुआ है. मेरे बजट थोड़ा बढ़ने के बाद मुझे कॉन्फिगरेशन बहुत अच्छा मिला है. और वो हिसाब से देखा जाए तो मेरा भी PC फास्ट भी हो गया है, क्योंकि मैं पहले लैपटॉप पे काम करता था घर पे. स्टूडियो में मेरे एप्पल का सेटअप है तो मुझे वापस घर पे एप्पल का सेटअप नहीं करना था. हाँ, मालूम है बहुत लोग बोलेंगे एप्पल से वापस विंडोज़ पे क्यों आया, तो उसका रीज़न था हर एक का बजट रहता है, वो हिसाब से मैंने PC बिल्टअप किया है. तो दोनों जगह एप्पल रख के मतलब नहीं था. और इधर ज़्यादा मेरा वीडियो एडिटिंग और फोटो का ही काम होने वाला था, वो हिसाब से मैंने मेरे बजट के हिसाब से मैंने ये सब किया है. सो ओवरऑल आपने देखा रहेगा कैसे PC बिल्टअप हुआ है, कैसे मैंने असेंबल किया है. और मैंने हर एक पार्ट्स का मुझे जानकारी देना था वो मैंने दे दिया, जितना मुझे पता था उतना मुझे प्रभाकर ने बताया, जितना मैं शो कर सकता था उतना मैंने शो किया है ये वीडियो में. आई थिंक सो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, बड़ा हुआ भी होगा. तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव चाहिए तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, तो ही आपको कुछ समझ में आएगा. ब्लॉग और ये थोड़ा अभी अलग हो रहा है, बट ये मुझे डालना है कंटेंट, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सोच समझ के ही बनाया हूँ. क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मेरे जैसे कोई रहेंगे जिसको इतने बजट में है, उनके कम बजट में मिलना चाहिए उनको उनका कंप्यूटर या जो भी है, तो उनको हेल्पफुल रहेगा. चलिए बॉक्स बता रहा हूँ, CPU तो देख लिया रहेगा आपने. तो प्रोसेसर का मुझे ये स्पेक Delta RGB, कार्बाइड सीरीज का मैंने कैबिनेट लिया था, LG का मॉनिटर 24 इंच, इसका मॉडल नंबर है 24MK600 सीरीज, जो फुल HD है, IPS पैनल है, कलर कैलिब्रेटेड है sRGB, 99% एक्यूरेट है उसमें. अब बढ़ता है CPU का जो स्पेसिफिकेशन है, तो जो मदरबोर्ड है
V360M गेमिंग एच डी का मैंने मदरबोर्ड लगाया जिसमें 2 रैम स्लॉट आता है और SSD M.2 का स्लॉट इनबिल्ट आता है गीगाबाइट के. ये मदरबोर्ड में, ये मदरबोर्ड का सीरीज है, ये मिड वर्जन है V310M, वो एंट्री लेवल सीरीज है. तो मैंने वो कैंसिल किया, मैंने वो दिमाग में सोच के गया था मैं, तो वो कैंसिल करके मैंने V360 में गया था मैं. तो क्योंकि उसमें SSD M.2 का आता है चिपसेट की तरह जो मदरबोर्ड पे ही लगेगा, कैबिनेट में मेरा जगह वो ऑक्यूपाई नहीं करेगा, अलग से SSD लगाऊंगा. और हाँ, SSD क्यों लगा है उसका रीज़न मैं आगे बताऊँ. तो CPU का मेन रहता है पावर सप्लाई जिससे ये सब वर्क करेगा. बाकी कॉर्सर का मैंने DS650W का SMPS लिखा है जो मेरे हिसाब से सफिशेंट है. ये है जोटेक का ग्राफिक कार्ड GeForce GTX 1050 Ti OC है. Ti में सिर्फ एक फैन आता है जो ग्राफिक के साथ रहता है, और Ti OC में आपको ड्यूअल फैन मिलेगा, और ये 4GB ग्राफिक कार्ड है तो सफिशेंट होगा मेरे हिसाब से. और मदरबोर्ड के साथ ये i5 प्रोसेसर ले, 9th जनरेशन i5 प्रोसेसर, हाइपर एक्स का रैम लगाया मैंने, 2400 GHz है, 16GB का एक ही रैम लिया है मैंने, और एक रैम स्लॉट मैंने रखा है ऐसे ही ताकि मैं आप आगे जाके अपग्रेड कर सकूँ. और इसकी मैं बात कर रहा था WD SSD जो मैंने सी ड्राइव के लिए लगाया 240GB का M.2 सीरीज का जो चिपसेट आता है. तो इस प्रकार है वो, जब ये दिख रहा रहेगा आपको ये चिपसेट सीधा आपके मदरबोर्ड पे लगेगा. तो आपका SSD का जो अलग नॉर्मल SSD आता है जो कैबिनेट में आपको एक अलग स्लॉट रहेगा, वो स्लॉट बचाता है सीधा मदरबोर्ड पे जाता है. और मेरे हिसाब से तो यही अच्छा है ताकि मतलब कुछ प्रॉब्लम ही ना हो, सीधा मदरबोर्ड से डायरेक्टली कनेक्ट होगा. और ये 240GB का है, फास्ट है ताकि आपके जो सॉफ्टवेयर है, प्रोसेसिंग फाइल्स है, वो सब फास्ट रन करें. ये आर्टिस्ट का कीबोर्ड एंड माउस जो RGB है, LED लाइट वाला, इसमें भी 3 कलर है. और ये गेमिंग माउस है, गेमिंग माउस की ज़रूरत नहीं थी मुझे, फिर भी वो मुझे अच्छा पैकेज मिला उसके साथ तो मैंने वो ले लिया. आप बात करोगे कि अभी इसका प्राइस रेंज क्या है, प्राइस रेंज एक्चुअली मैं मतलब जो मार्केट रेट था उससे मुझे डिस्काउंट ही मिला है, तो मैंने जो टोटल ही बताया, इंडिविजुअल प्राइस रेट नहीं बता सकता मैं. तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे जो रेड बटन है वो दबा, फ्री है. दिवाली के पहले ही करना था मुझे सेटअप, तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया. रिसर्च भी कर रहा था पीसी के बारे में कि कौन सा पीसी लेना है, नहीं लेना है, क्या स्पेक्स लगाने हैं, तो थोड़ा डिले हो गया. ठीक है, डिले हुआ तो कोई बात नहीं, पर मुझे जो अच्छा स्पेक मिला है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है नेट पे कौन सा पीसी लो. यूट्यूब पे थोड़ा सर्च करो, मेरे से भी अच्छे कोई वीडियोज़ रहेंगे पीसी के बारे में है, मैं उनके ही देखे तो मैंने पीसी बिल्टअप किया है. बस यही कि मैं ये ब्लॉग में डाल रहा हूँ ताकि मेरे सब्सक्राइबर या कोई और वीडियो देखेगा तो उनको भी जानकारी मिलेगी. और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना, लाइक करना वीडियो को. बाकी सारे भी मेरे वीडियोज़ है पीछे वाले, वो भी देख लेना. और आने वाले दिनों में अभी बहुत सारे ब्लॉग्स और ऐसे अनबॉक्सिंग तो नहीं, पर ब्लॉग में कुछ दिखाते रहूँगा मैं, नए कुछ कॉन्टेंट रहेगा तो मैं दिखाते रहूँगा. और थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो एंड तक देखने के लिए. एक्चुअली बहुत बड़ा वीडियो बन गया, तो फटाफट अभी एडिट होगा और चैनल पर लाइव हो जाएगा. और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो यहाँ पे कहीं आएगा इंस्टाग्राम आईडी मेरा, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा. वहाँ पे डेली अपडेट्स रहते हैं, डेली अपडेट्स हैं जो ब्लॉग में नहीं रहता वो उधर रहता है. तो स्नैपचैट पे भी जाओगे, स्नैपचैट पे अलग रहता है कि इंस्टाग्राम पे सब नहीं डाल सकते ना, तो थोड़ा कुटिया रहना पड़ता है. कुटिया यानी थोड़े फ्रेंडली कॉन्टेंट देते, फैमिली वाले नहीं रहते कभी 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 ऑफेंसिव हो जाता है. और फेसबुक पे भी है, राहुल यादव सर्च कर देना, मिल जाएगा. थैंक यू सो, बहुत थैंक यू हो गया. चलो अभी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं.